अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फिर से मोदी सरकार को इस बात का इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि किस तरह भारत इस खिते में अकेला रह गया है। अफगानिस्तान के मामले में भारत से जो रास्ता इख्तियार किया उसने भारत को पूरी दुनिया से अकेला कर दिया, यहाँ तक कि भारत अफगानिस्तान तालिबान को अपनी तरफ उकसा रहा है। दूसरी तरफ खास तौर पर पंजशीर के मुहाफिज को सपोर्ट करने की कोशिश की गई, जिन पर अफगान तालिबान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दाखिल ना दे, इसका संगीन नतीज भारत को भुगतना पड़ सकता है। जबकि भारत ये समझता है कि कश्मीर के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, इसका नुकसान भारत को होगा। लेकिन भारत के अंदर से ये आवाज़ उठना शुरू हो गई हैं कि गुज़श्ता 8 साल में मोदी सरकार ने इस खित्ते को तन्हा कर दिया है। के इस खित्ते में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। इसमें जितनी भी मीटिंग की जाती है भारत को एजेंटे के तौर पर बाहर रखा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में पहले भी सामने आया, एक मरतबा फिर वो भारत पर तनकीद कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रोग्राम के दौरान कहा कि गुज़श्ता भारत ने यहाँ $8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की, यहाँ मुख्तलिफ डैम बनाए, यहाँ तक कि भारत ने 1600 अफगानियों को अपने मुल्क में ट्रेनिंग दी, इन्हें रोज़गार दिया। लेकिन अफगान के मामले पर भारत को कहीं पर शामिल नहीं किया जा रहा। इनमें एशिया, चीन, कतर और ईरान मौजूद हैं, भारत को इससे बाहर रखा गया। 2013 में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत को कहा कि अफगानिस्तान के मामले में फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए और इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन, यह थी अहम तरीन खबर। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।